भाई सारा ना, राम राम। पहला आप मेजरमेंट देख लो पैंट का, फिर करेंगे बात। पैंट की लंबाई है 36, थाई है 27, मोरी है 14 और हिप है 21.5। जो 21.5 हिप है वो है आपके सूट की, तो हम 21 हिप मान के चलेंगे। ये हिप का फोर्थ है, हिप यानी 42, तो हाफ 21 और 21 का भी हाफ करेंगे तो 10.5। 10.5 में हम 1 इंच प्लस कर लेंगे और 11.5 इंच का हम ग्राफ बनाएंगे। अगर आपको डार्ट थोड़ी बड़ी चाहिए, जो डार्ट हम ऊपर कमर में डालते हैं, तो आप वहाँ 11.5 की जगह 12 इंच भी कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है और कुछ नहीं है। ये सारा खेल आपकी हिप का होता है, कोई कमर के मेजरमेंट से निकाल देता है, कोई हिप के मेजरमेंट से। वो मैंने देखो 10.5 करके एक प्लस कर लिया 11.5। अब 11.5 इंच का हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। लंबाई मुझे 36 ही रखेंगे, प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे मुझे इसमें एक डिजाइन डालना है, एक लेस लगानी है। तो लेस मैं डाई करवा लाई हूँ, उसको मैं लगाऊंगी स्टिच करते वक्त, वो मैं दिखाऊंगी। तो पहला जो पार्ट है वो आपका कटिंग का है। सबसे मेन जो अहम मुद्दा जो होता है इसमें, एल स्केल अपनी भूमिका निभाता है। एल स्केल का होना बहुत जरूरी है, वरना इसमें जो कान वान होती है वो नहीं निकल पाती है। तो हम सारी कान निकाल लेंगे जैसे भी इसमें है, उसके बाद हम अपना निशान लगाएंगे 11.5 इंच का। अब ये देखो 11.5 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया, 11.5 पे दूसरा, और लंबाई में भी अब मैं 11.5 ले लूँगी। और यहाँ पे आ गया हमारा क्रोच एरिया निकल जाएगा, ये हमारी पॉकेट वाली साइड थाई, और अब एक सीधा निशान हम मार लेंगे। तो ये निशान मार लिया हमने, अब 2.25 इंच का हम क्रोच एरिया निकालेंगे। वैसे क्रोच एरिया आपकी हिप का सोलवा निकलता है, सोलवा पार्ट, तो डिपेंड करता है। और ये हमने 1 इंच डाउन कर दिया कमर से, जब टम्मी बाहर आती है तो 1 इंच हम डाउन करते हैं, टम्मी नहीं होती है तो कोई इशू नहीं है डाउन करने का, और क्रोच एरिया हम बना चुके हैं। अब चलते हैं आगे, अब लेते हैं लंबाई। लंबाई मेरे को प्रॉपर ही 36 चाहिए, कोई प्लस नहीं करना मुझे। अगर मैं बॉटम फोल्ड करने वाली होती तो मैं उसमें 2-3 इंच प्लस करती, जितना भी मुझे चौड़ा फोल्ड करना होता है। मैंने 2 साइड निशान लगा लिया। अब स्केल को कैसे रखना, थोड़ा सा तिरछा करके रखना। थोड़ा सा तिरछा रखेंगे तो अपना स्केल जो है हल्का सा डाउन हो जाएगा नीचे की साइड, तो जो आपके क्रोच एरिया वाली साइड से जो पैंट उठती है, एक तो सॉल्यूशन उसका होता है कि ये उठना थोड़ा कम हो जाती है, दूसरा स्टिचिंग में होता है। तो पहला आप यहाँ सीख लीजिए। अब हमें क्रोच एरिया का और ये जो थाई वाला एरिया है इसको हमने मिड करना है। देख लो 14 इंच है, 14 इंच का हाफ 7 इंच। अब हमारी डार्ट भी ऊपर से 7 इंच पे ही जाएगी जब हम डालेंगे, और मोरी भी इसी से डिपेंड करेगी। अगर आप ऐसे नहीं कर पाओगे तो आपकी जो बॉटम है वो घूमना स्टार्ट कर दे। आपने देखा होगा कि आपकी दूसरी वाली लाइन आगे सामने आके गिरना स्टार्ट कर देती है, तो उसका मेन रीज़न यही है। अब हमने 7 किया, और 7 में से हमें जितनी हमारी मोरी है उसका हाफ करेंगे, 3.5 इधर 3.5 इधर, यानी लेफ्ट राइट 3.5 3.5। ये हमारा लेग शेपर है, इसकी भी अहम भूमिका होती है, और इसको भी हम लेके चलते हैं आगे। जो हमारा मेजरमेंट था उसके हिसाब से हमने इसको स्केल को रख लिया। रखने का तरीका आप देख सकते हैं। अब हम एक निशान लगाएंगे। अब निशान मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा मेरे से फोन दिखने में। दूसरी साइड भी हमने इसको रख लिया है, क्रोच एरिया वाली साइड। इसमें मैं दूसरे कलर से निशान लगा दूंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा, लेफ्ट राइट। अब ये देख लीजिए दोनों निशान लग गए हैं। अब आपको थाई को माप लेना है। थाई आपकी थी 27 का हाफ 13.5, तो 13.5 इंच के करीब आपका मेजरमेंट होना ही चाहिए। अगर वो कम हुआ तो आपकी थाई टाइट हो जाएगी, भले ही आपका बैक पार्ट ज्यादा कटे लेकिन वो फिर टाइट हो जाएगी। यहाँ पे हमने डार्ट लगा ली, डार्ट मैंने 4.5 लिया क्योंकि 1/2 इंच तो वो कटिंग में चली जाएगी, तो 4 इंच ही हमारी डार्ट रह जाएगी। हर एक चीज़ का एक मेथड होता है, मगर आप मेथड से नहीं कट करना चाहते हैं, आप सिंपल बेसिक चाहिए तो बेसिक मैं आपको दिखा दिया है, मेथड थोड़ा हार्ड हो जाता है। अब हमने इसको सेकंड पार्ट पे, यानी बैक पार्ट पे इसको बिछा लिया, फ्रंट पार्ट को। अब लगाते हैं निशान, वो हमने 6 इंच लिया वहाँ पे। अगर क्योंकि मैं इसमें लास्टिक का इसी के अंदर रखती हूँ, आपको नहीं रखना तो वो आप माइनस कर सकते हैं, जितना चौड़ा आपका लास्टिक है उतना ही। और 3 इंच मैं साइड से, अगर नहीं लेना तो वो कॉर्नर्स मिल जाएगा। 3.5 इंच तो एटलीस्ट आपको उठाना ही उठाना अगर आप लास्टिक अलग से लगा रहे हैं। 2.5 इंच मैंने क्रोच लिया है बैक का और इसको भी मिला दिया है, और इस तरीके से मैंने निशानों को मिला दिया है। ये देख लीजिए 1 इंच मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी और फिर उस क्रोच एरिया को यहाँ तक मिला दूंगी। आप चाहे तो एक्स्ट्रा रख सकते हैं, पर वही है जितना आपको मेजरमेंट रखा है बाकी का आपको बाहर की साइड निकालना पड़ता है। अब स्केल रखकर हम अपना निशान लगा देंगे। निशान मैं अलग कलर से लगा रही हूँ ताकि आपको बैक और फ्रंट में पता चल जाए कौन सा पार्ट बैक का कौन सा पार्ट फ्रंट का है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे।
कटिंग करते वक्त हर एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना। और मैं फेविकोल इसलिए दिखाया है क्योंकि मैं इसको पेस्ट कर लूंगी। मेन फैब्रिक को मैंने बिछा लिया है अच्छे से प्रेस करके, किनारी के पार्ट को मैं निकाल दूंगी। अगर मैं नहीं निकालूंगी तो ये सिलवटें मुझे बहुत परेशान करने वाली है उठी उठी। तो ये मैंने देखो निकाल दिया किनारी, ये उठेगी नहीं अब। अब पेस्ट करते हैं। मैंने बिछा लिया अस्तर को और छोटी छोटी डॉट डॉट लगाकर हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको इजी हो जाएगा। आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप कच्चे धागे से भी कर सकते हो, वैसे भी फेविकोल निकल जाता है एक वॉश में ही, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप सबको पता है इस तरीके से प्रॉपर मैं पूरे उसको कट करके, यानी पेस्ट करके कट करके निकाल लूंगी। कैमरा पकड़ना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि एक बंदे से ना तो कैमरा सेट होता है और ना ही पकड़ा जाता। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैंने फोन को कैसे रखा हुआ, तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ी दिक्कत होती है। वीडियो बना दो, वीडियो इतना इजी नहीं है। वीडियो बनाना, एडिटिंग करना बहुत टाइम लगता है। दूसरे पार्ट को भी हम इसके ऊपर रख लेंगे, यानी फ्रंट के दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से। तो इसको एक ऊपर एक नीचे की साइड मैंने रख लिया है और ये भी अच्छे से हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये भी हमारा अब पेस्ट हो जाएगा। वही फेविकोल का इस्तेमाल किया क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ईजी है, बहुत जल्दी मेरे काम को अच्छे से कर देता है, फिनिशिंग के साथ करता है और मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। दूसरी भी हमने वो कर ली है कटिंग किनारी की। अब बैक पार्ट को भी मैंने पेस्ट करने के लिए मतलब रख दिया है। जितनी भी सिलवटें होती है आप एक हाथ मारकर उसको निकाल सकते हैं ऐसे धीरे धीरे। देखो मैंने जैसे निकाला और इसको भी फेविकोल से पेस्ट कर दिया। तो मेन मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने काम को साफ सुथरा करना चाहते हो तो थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए और अपने काम को कीजिए। आप सोच रहे हैं आगे का मैंने नहीं दिखाया, तो ये सारी अब लग के तैयार हो चुका है और इस तरीके से आप अपने काम को कर सकते हैं। आगे सुन लीजिए। तो भाई देख लो, वीडियो बनाने की सेटिंग करिए, नीचे स्टूल लगा दिया, उसके बाद ये मैंने अपने धागे डाल रखे इन बॉक्सा में और फिर वे ऊपर नीचे रख दिए हैं। और इस मेरे पास स्टैंड नहीं है, स्टैंड मेरा गया टूट, तो अब इस तरीके से मैंने इसका वो करना पड़ा है। तो आपने मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ भाई करो।